पहले स्वयं आवश्यकता अनुसार भोजन कर लेना और तब बचा हुआ अन्न दूसरों को बांटना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य को पहले स्वयं ज्ञान से प्राप्त होना चाहिए और तब वह ज्ञान दूसरों को देना चाहिए। जो तैरना जानता हो उसे दूसरों को डूबने ना देना चाहिए, पहले स्वयं उत्तम गुण ग्रहण करने चाहिए और तब वह गुण दूसरों को सिखलाने चाहिए। समर्थ गुरु रामदास। सांसारिक व्यवहार में हमको अकारण किसी का अहित नहीं करना चाहिए। यथासंभव समझौते तथा मेल मिलाप की नीति से ही काम लेना चाहिए। लड़ना तभी चाहिए जब कोई नीच या स्वार्थी व्यक्ति दुष्टता करने पर उतारू हो। समर्थ गुरु रामदास। पुस्तक का नाम भक्ति और शक्ति के समन्वय, समर्थ गुरु रामदास। बहुत समय से भारतीय जनता धर्म के मूल स्वरूप को भूलकर उसे सामान्य जीवन से कोई भिन्न बात मानने लग गई थी, जिससे लोग पूजा पाठ जप तप करते हुए भी सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवहार में विपरीत आचरण करने लग गए थे। उदाहरण के लिए, जिन लोगों ने अपने किसी स्वार्थ के कारण विदेशी आक्रमणकारियों को बुलाकर अथवा उनके साथ सहयोग करके देश को पराधीन कराया, जनता पर अत्याचार कराए, संपत्ति को लुटवाया, उनको किसी ने अधार्मिक नहीं कहा। कारण यह कि इन समाज विरोधी कार्यों को करते हुए भी वे अच्छी तरह से पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान दक्षिणा आदि का, जिनको लोग धर्म कृत्य के नाम से पुकारते हैं, पालन करते रहते थे। समर्थ गुरु रामदास ने धार्मिक भावना की इस त्रुटि को अनुभव किया और प्रवचनों तथा वाणियों में यह प्रतिपादित किया कि केवल धर्म और अध्यात्म की चर्चा करने का कोई महत्व नहीं, केवल चर्चा करने से कोई बात धर्म नहीं हो जाती। इसलिए उन्होंने जनता में धर्म के जिन सिद्धांतों का प्रचार किया तथा तदनुसार आचरण और लोक व्यवहार करने पर भी जोर दिया। समर्थ गुरु का मुख्य उद्देश्य अपने राष्ट्र को सशक्त और सुदृढ़ बनाना था। इसलिए उन्होंने धर्म के साथ लोगों को राजनीति का उपदेश दिया। स्वामी रामदास जंगल में क्यों भाग गए थे? उन्होंने भिक्षा की सराहना क्यों की? रामदासी मठ क्या है तथा किन उद्देश्यों से इनकी स्थापना हुई? स्वामी रामदास ने अपनी माता को आत्मज्ञान क्यों सुनाया? गृहस्थ और साधु के जीवन का क्या उद्देश्य होता है? महंत क्या है? एक राजा के क्या क्या गुण होने चाहिए? स्वामी जी ने शिवाजी का अहंकार कैसे तोड़ा? इन सभी प्रश्नों को उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक, जो हमें समर्थ गुरु रामदास जी के जीवन के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाती है, जिन्होंने भारतीय समाज को चैतन्य होकर अपना न्यायानुकूल अधिकार प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार से प्रेरित किया। पुस्तक के कुछ अंश। आरंभिक अवस्था में संयम, नियम, ब्रह्मचर्य, तपस्या का जीवन बिताना चाहिए, जिससे आगामी जीवन में सांसारिक कठिनाइयों का अच्छी तरह सामना किया जा सके। मनुष्य चाहे जितना बड़ा ज्ञानी बन जाए, उसके लिए चाहे कर्म अकर्म में किसी प्रकार का भेद ना रहे, पर सांसारिक कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। जो एकांत में रहकर विचार करता हो, अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करता हो, मन के गूढ़ अर्थ को समझता हो और पहले स्वयं कोई बात सीख कर दूसरों को सिखलाता हो, वही महंत की श्रेष्ठ पदवी पाता है और विवेक बल से सांसारिक कष्टों
तथा झगड़ों में फंसे लोगों का उद्धार करता है। साधु की पदवी निस्संदेह बहुत ऊंची है और उसका आशय संसार के उपकार के लिए आत्म त्याग करना ही है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों को अपना आचरण ऐसा रखना चाहिए कि जिससे अपनी उन्नति और भलाई के साथ समाज का भी हित हो। जो व्यक्ति केवल अपने हित का ध्यान रखते हैं और अपने लाभ के लिए दूसरों का अनहित करने में संकोच नहीं करते, उनको समाज का शत्रु ही समझना चाहिए। अनेक वर्णों और आश्रमों का मूल गृहस्थ आश्रम ही है, जिसमें तीनों लोकों के प्राणियों को विश्राम मिलता है। देवऋषि, मुनि, योगी, तापस, वितराग, पित्र आदि, अतिथि, अभ्यागत सब इस गृहस्थ आश्रम से ही उत्पन्न होते हैं। यद्यपि ये लोग अपना आश्रम छोड़कर निकल जाते हैं, पर फिर भी यह आश्रित के रूप में गृहस्थ के घरों में ही घुमा करते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम ही देव आश्रम से बढ़कर है। लेकिन इस आश्रम में रहकर अपने कर्तव्य का पालन तथा सब प्राणियों का उपचार करना चाहिए। पुस्तक के मुख्य बिंदु, विदेशी शासन से हिंदू धर्म में विकृति, विवाह से विरक्ति और गृह योग। पंचवटी में साधना, देश भ्रमण और सामाजिक स्थिति का निरीक्षण, सामाजिक कर्तव्यों का पालन, अध्यात्मवाद का समर्थन।